हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी का पहला महीना है आपका, उसमें क्या क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आपका पीरियड मिस हुआ, आज आपने टेस्ट किया और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो अब आपका प्रेगनेंसी का महीना शुरू होगा? जी नहीं, जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ्स की है। तो जो आपका पहला महीना है, क्या अब से 15 दिन पहले से शुरू होगा, क्योंकि 15 दिन पहले आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया था और आज आप प्रेग्नेंट हैं? तो जी नहीं, आपका जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ है वो आपकी जो लास्ट साइकिल आई है, लास्ट पीरियड आया है, उसके पहले दिन से शुरू होगा और जिस दिन आपको पीरियड आना था और पीरियड नहीं आया है उस दिन तक होगा। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें कि आपका जो पीरियड है वो आपका 1 अक्टूबर को आता है और आपने जब 1 नवम्बर को आपका पीरियड मिस हुआ, तो 4-5 नवम्बर के आसपास जब आपने टेस्ट किया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया, तो आपका जो प्रेगनेंसी का मंथ है, फर्स्ट मंथ है, वो 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक का है, वो आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ है। तो अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट मंथ कहां से हुआ। अब इस मंथ में क्या होता है? तो इस मंथ में जो आधा पीरियड है वो तो वो पीरियड होता है जब आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, और आधा पीरियड वो होता है जब आप एक्चुअली प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन गिना तभी से जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अंडा बनना शुरू हो गया है। तो जो पहला वीक है उसमें फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और एग बनना शुरू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए एक फीमेल एग चाहिए और मेल का स्पर्म चाहिए, तो इसलिए जो फीमेल एग है वो बनना शुरू होता है फर्स्ट वीक से, जब आपका पीरियड चल रहा होता है उस टाइम से ही वो बनना शुरू हो जाता है। जो सेकेंड वीक है उसमें उसका साइज और बड़ा होगा और वीक सेकेंड के एंड तक आते आते वो एग आपका रिलीज हो जाएगा, ओवरी से रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब्स जो है फीमेल की उसमें आ जाएगा। अब अगर इस टाइम पर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और ये जो एग है, इस एग से जो भी मेल का स्पर्म है वो मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है जो कि ऑलमोस्ट 3rd वीक के आसपास होता है, और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बन जाता है 3rd वीक के अंदर। अब ये जो एम्ब्रियो है ये ट्रैवल करता है, यहाँ पर रहता है, डिवाइड होता है, थोड़ा बड़ा साइज का होता है, और 5वें 6वें दिन अगर हम माने तो 4th वीक के स्टार्टिंग में आता है और आके फीमेल की जो यूट्रस है उसमें आके इम्प्लांट हो जाता है। अब ये इम्प्लांट कहाँ होगा? तो देखिए, जो फीमेल का यूट्रस है उसके अंदर लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसके अंदर आकर ये बेसिकली इम्प्लांट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जायगॉट। अब ये इम्प्लांट हो गया क्योंकि जो एम्ब्रियो था वो उसमें क्या था, उसमें एक एग था और एक आपका स्पर्म आके मिला था, बट वो जब डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने के बाद वो इधर आके लगता है, तो बेसिकली वो जायगॉट कहलाता है और वो अब आके इम्प्लांट हो गया है। अब यहां से जो है उसमें ब्लड सप्लाई आएगी, प्लेसेंटा बनेगा, साइज इंक्रीज होगा और आगे प्रोसेस होंगे। तो जो पहला हफ्ता है प्रेगनेंसी का, बेसिकली जो पहला महीना है प्रेगनेंसी का, उसमें हमने जाना कि पहले एग बनता है पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में वो एग का साइज बड़ा होता है, वो रिलीज होता है, तीसरे हफ्ते में ऑलमोस्ट वो दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, और 4th हफ्ते में आके वो इम्प्लांट होता है जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली 4 हफ्ते हैं, ये आपका पहला महीना है, और उसके बाद जब आप टेस्ट करती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर किसी तरह की बनावटी प्रॉब्लम होती है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होता, इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, आपका पीरियड आ जाता है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से सारा प्रोसेस हो गया होता है, सही जगह वो इम्प्लांट हो जाता है, तो प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है, और जिस प्रेगनेंसी की एज हम फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड साइकिल से हम देखते हैं, पहले दिन से देखते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गई हैं कि कब से आपके महीने गिनने शुरू होते हैं, कब से आपके हफ्ते गिनने शुरू होते हैं। तो वो हफ्ते भी आपके शुरू से स्टार्ट होते हैं, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, और इसी तरह से जो आपकी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट मंथ आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके पीरियड की जो फर्स्ट डेट है वहीं से स्टार्ट होता है, जो आपकी लास्ट साइकिल आई थी। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, औरों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।